मैं हम विज़िट करते हैं कश्मीर, जैसे हमारे दोस्त कश्मीरी हैं अच्छा। तो वो लोग भी अब देखें ना, कश्मीर का एक अलहाक है हमारे साथ, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बस ये है कि हमारा उनके ज़मीनी रास्ता है, करेंसी हमारी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक ऑन नहीं करते पाकिस्तान को। जो हमारे कश्मीरी हैं वो भी पाकिस्तान को वैसे ऑन नहीं करते, ना हम बलोचिस्तान वाले पाकिस्तान को ऑन करते हैं, ना हमारे हौंजा वाले बल्तिस्तान वाले इसको ऑन करते हैं पाकिस्तान को। वो लोग कहते हैं हमारा ये अलहदा मुल्क है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ना इतना टाइम ड्यूरेशन काफ़ी होता है, ठीक है। तो कश्मीर के लिए तो हमने बीइंग अ नेशन या बीइंग अ एक मुस्लिम पावर कुछ भी नहीं किया है, सिवाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं किया, कुछ बयानात देने से कोई भी चीज़ आपको जो है ना कोई गिफ्ट करके नहीं दे देगा, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लामी जमहूरिया तो अब पाकिस्तान को डिज़र्व ही नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस्लामिक लॉज को फॉलो करते हुए या चीज़ों को करते हुए। तो सॉरी टू से, तो मैं तो कहूँगा कम से कम आपने मुल्क जैसे चलाना है चलाएं, जिस जहालत से भी चलाना है इस्लामी हटा दें इसके साथ से, ताकि आप मज़हब को मज़ीद बदनाम ना कर सकें। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यान दिया आईटी पे, पिछले 20 साल में मोदी सरकार ने इंडिया में आईटी को फ़रोग दिया, ठीक है। उनकी जो करेंसी है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया, डिजिटलाइज कर दिया है, और उन्होंने अपनी जो उनकी जो करेंसी है उन्होंने उसको हर एंगल से डिजिटलाइज कर दिया है। यहाँ पे एक तो ब्लैक मनी लोगों के पास बड़ी है। 76 साल से पाकिस्तान में कौन से 2-3 बड़े नारे लगते आ रहे हैं, मतलब जो भी पॉलिटिशियन आता है, जो भी लीडर आता है, कौन से नारे लगा? भाई जान 76 साल से एक ही नारा, रोटी कपड़ा और मकान, और वो मिलता ही नहीं है। रोटी कपड़ा मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडिया का नाम तो सिर्फ हमें जो है ना एक ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है, उसको पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब कोई इंटरेस्ट मैं नहीं समझता होगा, ठीक है। क्योंकि जब उनकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनके लोग एक आला तालीमी याफ्ता हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह दुनिया में फायज हैं, उनको क्या इंटरेस्ट पाकिस्तान जैसी जो है ना एक बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव कंट्री में जाके इंटरेस्ट लेके कि इसमें हमला करके वो हमसे क्या ले लेंगे। आप इंडिया में इस टाइम देख ले आईटी में वो कहाँ तरक्की कर चुके हुए हैं, आईटी में इंडिया में नाम बना लिया, रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इंडिया जनरेट कर रहे इस वक्त, पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारी स्टडी का मियार आप चेक कर लें और इंडिया में स्टडी देख लें, इंडिया की हेल्थ देख लें। हम यहाँ से ख्वाहिशमंद होते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम इंडिया जाएं, वहाँ ट्रांसप्लांट करवा के लेके आएँ। उन्होंने सेलिब्रेशन की है, अपनी आज़ादी मना रहे हैं अब, तो ये बिल्कुल एक समझे कि वो एक नामुनासिब सी बात रह गई है कि इंडिया हमारा शाहरग है, वो कश्मीर हमारी शाहरग है, अब एक नामुनासिब सी बात रह गई है, क्योंकि वो हम पहले ये बताएं पाकिस्तान में 76 साल से कौन से 1-2-3 नारे लगते रहे। पाकिस्तान में तो शुरू से गुरबत का हमारा नारा है, रोटी कपड़ा मकान का नारा है, उसके अलावा हम जंग बंदी पे कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर के हवाले से हम नारे लगाते रहे, ठीक हो गया। कौन से 2-3 नारे लगते रहे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में 2-3 नारे यही लगते रहे हैं कश्मीर के हवाले से, और रोटी कपड़ा मकान। सवाल ये है कि 2024 स्टार्ट हो गया, रोटी कपड़ा मकान मिला, कश्मीर मिला, क्या कहेंगे? नहीं, ना रोटी कपड़ा मकान मिला है और कश्मीर भी हमारे हाथों से मुकम्मल तौर पे निकल चुका है, मतलब कश्मीर की तो उम्मीद ही नहीं रह गई अब। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, एक वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं 2024, जो मतलब ये है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुई है पाकिस्तान में, तो वैसे बैन थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई आप ना सेलिब्रेट ना किया जाए उसे इस तरीके से। इंडिया साइड कश्मीर, जो अभी इंडिया के साथ कश्मीर है, वहाँ पे लाल चौक श्रीनगर में प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई है, लोग वहाँ पे खुशी का इजहार कर रहे हैं, वो मतलब क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इस पे यही कहेंगे, इसमें एक तो हमारे हुक्मरानों की बेइज्जती है और उनकी बेइज्जती है कि हम लोग जिस पॉइंट पे आज से 74 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, कश्मीर पॉइंट पे पॉइंट मिला हुआ है जिस पे हमने लोगों को आपस में डिवाइड किया हुआ है, जिसका हल जब तक नहीं निकल सकता जब तक हम टेबल टॉक ना करें, और इसका हल निकल भी नहीं सकता अच्छा। क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है टेबल टॉक हो अच्छा, इसमें आपने एक बात की है, आपने ये बोला ये तो 76 साल से चल रहा है, नो डाउट, लेकिन आपने बोला हमारे यहाँ पे भी मौका मिला हुआ है और उन्हें भी मौका मिला है। मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि मौका वाकई दोनों साइड पे मिला, लेकिन वो कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये नहीं नहीं हम तो कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ आपस में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान पाकिस्तान को जो हुक्मरान मिले हैं, कोई ऐसे हुक्मरान अभी तक पाकिस्तान को मिले ही नहीं कि जो पाकिस्तान के लिए सोचे हैं, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं यहाँ पे, वो ना यूथ के लिए सोचते हैं। अब आप इंडिया में इस टाइम देख लें आईटी में वो कहाँ तरक्की कर चुके हुए हैं, आईटी में इंडिया में नाम बना लिया, रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इंडिया जनरेट कर रहा है इस वक्त, पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारी स्टडी का मियार आप चेक कर लें और इंडिया में स्टडी देख लें, इंडिया की हेल्थ देख लें,
हम यहाँ से ख्वाहिशमंद होते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम इंडिया जाएं, वहाँ ट्रांसप्लांट करवा के लेके आए। जो मरीज होते हैं मतलब उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेशन के लिए काम किया है, बेशक वो उसको संभाल नहीं वैसे पाए, लेकिन उन जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी नेशन के लिए काम किया है, नेशन के लिए काम किया। नो डाउट आज जो भी एजुकेटेड होगा, जो भी खास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को समझता होगा, इन्होंने बोला कि ये इंजीनियर हैं, इन्होंने भी बोला ये इस फील्ड से हैं, मतलब मुझे ये बताएं उनका एजुकेशन लेवल और हमारे एजुकेशन लेवल में कोई कंपैरिजन मतलब बनता भी है? नहीं, कंपैरिजन कोई कुछ नहीं बनता हमारे उनके एजुकेशन लेवल के अंदर। वो बहुत उनका मॉडर्न एजुकेशन लेवल है और हम अभी भी वही पढ़ रहे हैं जो हमारे वालिद साहब ने पढ़ा था, उनके भी वाले साहब ने पढ़ा था। बेसिकली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है यहाँ पे कि आप एक डिग्री हासिल जो कर रहे हैं उसके आगे फ्यूचर में क्या डिमांड है। हमारे यहाँ पे जो डिग्री हासिल कर रहे हैं लोग, उनका पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं खुद को कि हमने इन फ्यूचर करना क्या है। और वो आईटी में किधर चले? सबसे बड़ी जो बात है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको आगे लेके जा सकती है, टेक्नोलॉजी ही आपको अच्छा फ्यूचर दे सकती है। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे कोई फोकस नहीं है, किसी चीज़ पे कोई फोकस नहीं है। एक बंदा बीएस कर रहा है, एमएस कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, उसको पता ही नहीं मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ होती है जॉब। अब यहाँ पे जो जॉब का लेवल है वो जीरो है। अच्छा, और एक और चीज़ अभी कश्मीर का जो जिक्र हो रहा है, इसलिए सॉरी आपकी बात काटी, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया पे या इंटरनेट गूगल पे जाके चेक करिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से ये पोस्ट सामने आ रही है कि भाई वो जॉब्स का हब बन चुका है, इतनी वहाँ पे जॉब्स क्रिएट की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ। जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यान दिया आईटी पे। पिछले 20 साल में मोदी सरकार ने इंडिया में आईटी को फरोग दिया, ठीक है। उनकी जो करेंसी है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया, डिजिटलाइज कर दिया है, और उन्होंने अपनी जो उनकी जो करेंसी है उन्होंने उसको हर एंगल से डिजिटलाइज कर दिया है। यहाँ पे एक तो ब्लैक मनी लोगों के पास बड़ी है, लोगों को पता ही नहीं है, मतलब कि वो गलत कामों में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है आईटी पाकिस्तान में। यहाँ पे लोगों को मतलब कि अगर आप कहें कि यार मैं कहीं से आईटी का कोई कोर्स कर लूँ, कोई चीज़ कर लूँ, तो वो आपके लिए एक बेहतर चीज़ है। कंप्यूटर आपको बेसिकली एक ग्लोबल विलेज है जो आपको जोड़ता है पूरी दुनिया के साथ। एक तो आपकी फील्ड के हवाले से सवाल करूंगा, दूसरा कश्मीर के हवाले से ये सवाल करूंगा, इन ये भाई से, अच्छा आपके फील्ड में अगर आपने बोला बीएस की है, ठीक है, मुझे बताएं उसी फील्ड में इंडिया में अगर किसी ने बीएस किया होगा कितना फर्क होगा आईटी में? सर इंडिया में जिसने बीएस किया है, बेसिकली इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आप अब देखते होंगे बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स रहते हैं जिसमें इंडिया जो आपस में जो लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे किसी भी बड़े यूट्यूबर के पास या किसी टिकटॉकर के पास चले जाते हैं हम, तो वो मतलब कि हमें इतना कोई दिलचस्पी मिलता ही नहीं हमसे, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि यार ये इसका अकाउंट, इसके ज्यादा व्यूज हैं, इसको मैं सपोर्ट कर दूं, इसके भी अकाउंट चल जाए, वो ठीक है। लेकिन जहाँ पे मैंने ये भी चीज क्लियर करता चलूं, जहाँ पे सच की बात आती है, बहुत बड़े उधर इस टाइम इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं संदीप सर, उनका भी आजकल वो इशू चल रहा है, वो दीपक बिंद्रा साहब हैं, वो दोनों देखे वो सर, वो बेसिकली वो क्यों हिट हुए हैं, वो सोशल मीडिया से हिट हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे लगता है कि पब्लिक के साथ खड़े होने की, पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत है, वो एक दूसरे के खिलाफ ही होते हैं। वहाँ पे सर देखें, वहाँ पे लोगों में हसद नहीं है एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, वहाँ की जो आईटी, जो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें वो जो कोर्स करवाते हैं, जो भी चीज़ करवाते हैं, वो वहीं से बच्चा उठा लेते हैं कि यार आपने हमारी कंपनी में, यहाँ पे इंजीनियर्स जो के हैं, डॉक्टर्स जो के हैं, मतलब के यहाँ पे इवन के जो डॉक्टर्स हैं उनको बड़ी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है, उनको मतलब के जॉब्स ही नहीं है, ठीक है। जो इंजीनियर है वो वैसे ही यहाँ पे किसी ने टी स्टॉल लगाया है, किसी ने कुछ लगाया, कोई बर्गर की दुकान खोल के बैठा, कोई रक्षा चला रहा है, ये हाँ जी ये फ्यूचर नहीं है। अगर आप फ्यूचर हासिल करना चाह रहे हैं तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को, अपना फ्यूचर देखें, उस लेवल की एजुकेशन यहाँ पे होनी चाहिए जो दुनिया में चल रही है। अच्छा ये बताइएगा, बात जरा इंटरेस्टिंग सी हो गई है, इंडिया के साथ कंपैरिजन भी, कश्मीर के हवाले से भी बात हो गई, और साथ इंजीनियर मेरे साथ बैठे, मुझे बताइएगा यही हमारा एजुकेशन का सिस्टम या गवर्नमेंट का सिस्टम या ओवरऑल जो भी पाकिस्तान में चल रहा है यही चलता रहे, इंडिया में भी यही चलता रहे, 5 साल बाद कश्मीर के लोग क्या कहेंगे, वो वहाँ का एजुकेशन लेना चाहेंगे या यहाँ का, वो वहाँ का मतलब जॉब लेना चाहेंगे या यहाँ की, वो वहाँ की करेंसी यूज़ करना चाहेंगे या यहाँ की, क्या कहेंगे, ये बड़ा गहरा सवाल है। बेसिकली वो जिस लिहाज से हमारा इंडिया से डेवलप हो रहा है, हाँ।
उस हिसाब से तो वो उसी को रिकमेंड करेंगे, वो उनके साथ जाना चाहेंगे क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका हेल्थ सिस्टम अच्छा है, वहाँ पे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसलिए इन फ्यूचर अभी भी बहुत सब हैं जो उनके साथ अरेंज हुए हैं इस टाइम, अभी बहुत उन्होंने सेलिब्रेशन की है, अपनी आज़ादी मना रहे हैं अब, तो ये बिल्कुल एक समझें कि वो एक नामुनासिब सी बात रह गई है कि इंडिया हमारा शाड़क है, वो कश्मीर हमारी शाड़क है, अब एक नामुनासिब सी बात रह गई है क्योंकि वो हमसे छीन चुके हैं जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन आज छीन लिया। ये बताइएगा थोड़ा सा टेक्निकल, ये भी बात है छीना, अगर लेट्स सपोज आप कह रहे हैं छीन चुके हैं, ले तो वो चुके हैं, मतलब जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे नजर आ रहा है, छीना उन्होंने जोर जबरदस्ती है या डेवलपमेंट के साथ छीना है, यानी पब्लिक की जो जीत, उन्होंने डेवलपमेंट के साथ छीना है, उन्होंने बहुत उसको जोर जबरदस्ती के साथ नहीं उन्होंने छीना, उन्होंने उसको डेवलपमेंट के साथ और बड़ी टेक्निक के साथ उन्होंने इसको अपनी तरफ किया है। देखे पाकिस्तान साइड में भी कश्मीर है, मैं एक सादा सा सवाल करता हूँ, 100 नहीं 1000 दफा ये मैं सवाल कर चुका हूँ पब्लिक से भी, अपने पॉलिटिशियन से भी, कि भाई हमने यहाँ पे क्या किया है, मतलब एक साइड पे हम कहते हैं जुलम 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 हो गया, दूसरी साइड पे अपने ही घर में देख ले तो हम यहाँ पे बलोचियों के साथ, बलोच जो हमारे भाई हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, सिंध के लोगों के साथ कर रहे हैं। 2024 स्टार्ट हो गया, कोई उम्मीद नजर आ रही है या कि यार अब बड़ा हो गया, 76 साल बड़ा बेवकूफ बन लिया, रोटी कपड़ा मकान कश्मीर ये नारे बड़े सुन लिया, अब डेवलपमेंट की बात होगी, डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करेंगे। डेवलपमेंट जब तक नहीं हो सकती जब तक हमारी यूथ को अश्योर नहीं आ जाएगा, ये सब डिपेंड करती है हमारे यूथ के ऊपर कि हम लोग किस तरह डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट किसे करनी है, हमने करनी है। आप चले जाएं यहाँ पे, हमारी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ये समझ लें जितने अच्छे काबिल लोग हैं वो सब के सब पाकिस्तान को लीव करते जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन आते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ कचरा रहता जा रहा है। अगर यही हालात है तो पाकिस्तान के हालात मजीद डाउन जाएंगे। ऐसा ना करें, ऐसा ना हो आपका खाना आ चुका है, आप खाना स्टार्ट करें, आप लास्ट में क्या कहेंगे सर मुझे ये बताएं, यही सिचुएशन रही तो कश्मीर की खास तौर पर बात करें, वो क्या यूथ वहाँ की क्या कहेगी या वहाँ के लोग क्या कहेंगे, हमें पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम चाहिए या इंडिया का एजुकेशन, पाकिस्तान से हमें क्या? हम कश्मीर की मदद कैसे करें, हम आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते, हम हमारी मदद की जरूरत है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते, हम कश्मीर की मदद क्या करेंगे, सबसे बड़ा साइड पे कश्मीर है, आप उसकी बात कर रहे हैं। सर देखें हर जगह इकोनॉमी जीरो, हमारे पास जो भी पैसा है वो सारा उधार लिया हुआ है, तो हम कैसे कश्मीर की मदद करें, हमें अपनी मदद तो कर लें पहले, पाकिस्तान लाहौर में जो जितने बेरोजगार बैठे हैं उन्हें जॉब्स दे दें, जो गुजरांवाला कराची इस्लामाबाद में बैठे हैं उन्हें तो जॉब दे दें, बलूचिस्तान के लोग जो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें तो उनके राइट दे दें, कश्मीर की बात, और फिर कश्मीर का भी जिसे मोहब्बत बहुत है हमारे पास कश्मीर है वो मोहब्बत वहाँ पे शो करे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हमें जो हम विजिट करते हैं कश्मीर, जैसे हमारे दोस्त कश्मीरी हैं तो वो लोग भी अब देखें ना, कश्मीर का एक अलहाक है हमारे साथ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बस ये है कि हमारा उनके जमीनी रास्ता है, करेंसी हमारी यूज कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक ऑन नहीं करते पाकिस्तान को, जो हमारे कश्मीरी हैं वो भी पाकिस्तान को वैसे ऑन नहीं करते, ना हम बलोचिस्तान वाले पाकिस्तान को ऑन करते हैं, ना हमारे हौंजा वाले बल्तिस्तान वाले इसको ऑन करते हैं पाकिस्तान को, वो लोग कहते हैं हमारा ये अलहदा मुल्क है, वो बेशक एफिलेटेड है लेकिन वो उसको वैसे मानते ही नहीं है पाकिस्तान। ये मोस्टली हमें पाकिस्तान में बताया नहीं जाता कि भाई कश्मीर हम जो कहते हैं अभी भी कश्मीर जो हमारे साइड पे वो हमारा नहीं है, ये ऑफिशियली क्या हमारा है, ऑफिशियली हमारा नहीं है, उसके उस मतलब जो पाकिस्तान को कानून लगता है उसको थोड़ी ना लगता है, उनकी पार्लियामेंट अलहदा है, उनके सुप्रीम कोर्ट अलहदा है, बस ये है कि हमारी करेंसी एक है, हमारे दरमियान की बॉर्डर्स नहीं है, उनको जो उन्होंने दी हुई फैसिलिटेशन है वो पाकिस्तान से ले रहे हैं कुछ दे रहे हैं, हम उनसे पानी ले रहे हैं वो हमें उसके बदले में, हम उनसे वो पानी ले रहे हैं उनसे वो हमें करेंसी दे रहे हैं उसको, इस तरह बस एफिलिएशन चल रही है इनके साथ। हो गया जी, अच्छा लगा बात करके, इनकी भी जो ओपिनियन थी अब तक मुझे, आइए मजीद भी लोगों से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यासर अंसारी। आपका नाम? रियाजुल हक। और आप? मोहम्मद मुनीब। ठीक है, क्या करते हैं सर आप? सर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक है हमारा, गाड़ियों की फील्ड से ताल्लुक है। हो गया, इसके हवाले से भी थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे कि क्या आजकल रेट चल रहा है, 24 में रेट 2024 में गाड़ियों के रेट बढ़ने वाले हैं, यानी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मेन टॉपिक ये है 2023 गुजर गया, 24 स्टार्ट हो गया, 76 सालों में पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए खासतौर पर क्या किया, अपने लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया, दूसरे नंबर पर दूसरी साइड अगर बात करें इंडिया साइड कश्मीर की, वहाँ पे भी वीडियो सामने आ रही हैं, वो प्रॉपर जो उनसे वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे इंडिया का जो फ्लैग है उसके साथ वो अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो उनसी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं, न्यू ईयर पे वैसी सेलिब्रेशन पे पाबंदी है, क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर से स्टार्ट करते हैं फिर ओवरऑल बेहतरी की कोई उम्मीद या इन चीज़ों पर आएंगे? देखें किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ना इतना टाइम ड्यूरेशन काफ़ी होता है, ठीक है, तो कश्मीर के लिए तो हमने बीइंग अ नेशन या बीइंग अ
एक मुस्लिम पावर कुछ भी नहीं किया है सिवाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं किया, कुछ बयानात देने से कोई भी चीज आपको जो है ना कोई गिफ्ट करके नहीं दे देगा, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लामी जमहूरिया तो अब पाकिस्तान को डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस्लामिक लॉज को फॉलो करते हुए या चीजों को करते हुए, तो सॉरी टू से, तो मैं तो कहूंगा कम से कम आपने मुल्क जैसे चलाना है चलाएं, जिस जहालत से भी चलाना है इस्लामी हटा दें इसके साथ से, ताकि आप मजहब को मजीद बदनाम ना कर सकें। अच्छा, ये अब बात कई लोगों को शायद थोड़ी बुरी, थोड़ी तल्ख लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये रियलिटी है कि आज पूरी दुनिया में जो इस्लाम का या जो मजहब का इमेज है उसमें कहीं ना काफी हद तक हम जिम्मेदार हैं। मतलब हम कहते हैं जी क्या यहाँ पे सूद नहीं चल रहा, यहाँ पे झूठ, यहाँ पे करप्शन, यहाँ पे ऐसे ऐसे काम जो मतलब मैं कहता हूँ कि हैरान होने। सूद के हवाले से तो सर आप अगर मुस्लिम डिक्लेयर करते हो अपने आप को, तो अल्लाह पाक मना फरमा रहे हैं, जंग है, सीधी सीधी अल्लाह के साथ जंग है, जंग है। तो ये बैंक सामने ये दिखा नहीं सकते कैमरे पे, वो भी बैंक है, ये सारे बैंक, ये सब सूद है, सब आप प्रॉफिट पे, आपका जो नेशनल बैंक है या वो भी कौमी बचत है, वो सब आपको मार्कअप पे पैसे देते हैं। तो फिर आप कैसे एक इस्लामिक स्टेट इसको डिक्लेयर कर सकते हो? उससे बेहतर तो और पड़ोसी ममालिक जो एटलीस्ट इतनी तरक्की नहीं कर पा रहे मगर एटलीस्ट इस्लाम को लेके तो चल रहे हैं ना, जिनको आप सो कॉल्ड कहते हैं कि ये हमारे लिए मुजरे सेहत हैं या जो भी हैं। आप शायद अफगानिस्तान की बात करना, बिल्कुल अफगानिस्तान की बात करना चाह रहा हूँ मैं। आज अगर 2023 में उनके कंपैरिजन किया जाए और 24 का कंपैरिजन किया जाए, मैं कहता हूँ बहुत सी ऐसी उन्होंने डेवलपमेंट की है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर, जो देख के हमारे लिए सीखने वाली बात है। अच्छा, कश्मीर की बात कर रहे थे, क्या कहेंगे जहाँ जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट दूसरी साइड पे हमें होती नजर आ रही है, वहाँ के लोग जो उनसे वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पे आते हैं कि भाई हम जो उनसा खुश हैं या बेहतरी आ रही है, हमारे यहाँ पे जो उनसा वो प्रोटेस्ट होते हैं हमें यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही, हमारे यहाँ के कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं कि हमें यहाँ पे बिजली के जो उनसा वो प्रॉपर जो उनसा वो नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नेसेसिटी ही नहीं मिलेगी तो आप अपने मुल्क के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जिस चीज़ की लैकिंग है आप दीन सीखें, दीन सीखेंगे सिखाएंगे तो फिर आपको जो है ना बेसिक जिंदगी गुजारने के तरीकेकार पता लगेंगे कि हमने जीना कैसे। तो अच्छा, उस चीज से यहाँ पे मतलब देखें, आपका अपना एक ओपिनियन है, मैं यहाँ पे एक ये सवाल करूंगा, आपने बोला दीन सीखें, नो डाउट दीन सीखें, जिसका जो मजहब है वो सीखे, लेकिन अगर सिर्फ आप बोलेंगे कि दीन सीखे जिंदगी के जो तरीकाकार हैं, जैसे वो नॉन मुस्लिम है डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उसकी क्या वो दीन सीख के जा रहे हैं? जरूरत नहीं है उनको, एटलीस्ट वो लॉयल है, हम लोग मुनाफिक हैं। तो फिर आप ये बात करें ना कि लॉयल हो अपने कंट्री के साथ, अपने साथ ईमानदारी के साथ काम करें, ये बीच में जो कंसेप्ट है ना मजहब और ये चीजें, शायद इस वजह से मजहब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं अपने आप को, तो हमारे तो सारे लॉज या जीने का तरीकेकार वो बेस्ड ही इस्लाम पे करता है, मजहब के फॉलो पे करता है, हम फॉलो नहीं करते। मेन चीज है, पहले लोगों की तरबियत घरों से होती थी, अब आप अपने घर के बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, बंगालियों ने भी बीच में बड़ी एफर्ट की, फिर बांग्लादेश जब पाकिस्तान से लहता हुआ, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश यानी इस्लामी जमहूरिया बांग्लादेश क्यों नहीं बना? उन्होंने तो बोला है कि भाई मजहब को लहदा कर दो और मतलब अपनी अपनी प्रैक्टिस करो, लेकिन मजहब और सियासत और इन चीज़ों को लहदा लहदा लेके चलो, शायद वो आगे भी जा रहे हैं। हमें शायद दरअसल सऊदीया से चंदे लेने थे इस्लाम के नाम पे, ये चीज़ है ना, आप समझ रहे? तो वो टैग लाइन शायद इसीलिए यूज करते हैं कि हमने और बाकी मुस्लिम ममालिक से चंदे लेने थे, भीख, सो कॉल्ड भीख मांगनी थी, चंदा तो नहीं, वो भीख ही कहेंगे उसको। अच्छा, मुझे बताएं 2024 से क्या उम्मीद नजर आती है? और बड़ी एक बड़ी दिलचस्प बात ये भाई पहले कर रहे थे वीडियो के स्टार्ट में, मुझे बताइएगा गवर्नमेंट का क्या कसूर है, पब्लिक का क्या कसूर है, या दोनों का कसूर है आज पाकिस्तान जिस पोजिशन में है? आपकी मोस्टली जितनी भी जो रूलर्स हैं या जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं वो सब जाहिल हैं, 90% जाहिल हैं। ये तो हमें बताया जाता है ऑक्सफोर्ड से, ये भी पढ़ के आया, वो भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, बिलावल साहब भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, इमरान खान साहब भी वहाँ से। अगर ऑक्सफोर्ड से जो पढ़ के आया तो डेफिनेटली उन्होंने उस कंट्री का विजिट भी किया होगा, तो आज तक वहाँ का कोई एक या आधा लॉ भी अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? जिस जगह आप और मैं बैठे हुए हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मगर ये यूज़ हो रही है एक सो कॉल्ड एक नॉर्मल बिजनेस के लिए, वहाँ लोगों को सहूलत मुहैया की जाती है कि शॉप्स होंगी, वो छोटे से छोटा आदमी भी टैक्स पे करेगा, वो ही पब्लिक की सहूलत के लिए इस्तेमाल होगा। आपको कहीं होता हुआ दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस इसी वजह से लोग टैक्स देना ही नहीं चाहते, उन्हें पता है कि हमारा टैक्स तो पब्लिक की सहूलत की बजाय अपनी जेब के लिए। अच्छा, एक तरफ आपने बोला एजुकेटेड नहीं है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में ये बताया जाता है जो ये नेबर कंट्री इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर चाय वाला ये वो अपने कंट्री को कहाँ पे ले गए?
इंडिया का नाम तो सिर्फ हमें जो है ना एक ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है, उसको पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब कोई इंटरेस्ट मैं नहीं समझता होगा, क्योंकि जब उनकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, उनके लोग एक आला तालीमी याफ्ता हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह दुनिया में फायज हैं, उनको क्या इंटरेस्ट पाकिस्तान जैसी जो है ना एक बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव कंट्री में जाके इंटरेस्ट लेके किस पे हमला करके वो हमसे क्या ले लेंगे सिवाय बदकारी और चीजें, मतलब अपना नुकसान भी साथ करेंगे। अच्छा ये बड़ी गहरी बात की, इवन इंडिया के लोग यही कहते नजर आते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई हमें इस तरीके से इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई इंडिया हमला कर देगा, इंडिया ये कर देगा। 76 साल की अगर रियलिटी में जो हिस्ट्री है वो देखी जाए, कितनी दफा उन्होंने हमला किया, कितनी दफा हमने हमला किया, बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। आज के दौर में क्या उन्हें जरूरत भी है हमला करने की ये चीजें? अच्छा फिर हमें ये कंसेप्ट क्यों दिया जाता है हर चीज में, वो हमला कर देंगे, वो हमारे दुश्मन है? भाई हमें ये सीखने की जरूरत है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की आपने बात किया, आप उस फील्ड के हैं, मुझे आज बता दें आज पाकिस्तान में सबसे थकी से थकी, मतलब हल्की से हल्की कार की कीमत क्या है? सबसे हल्की ऑलमोस्ट मैं समझता हूं अगर जैसे किसी लोएस्ट गाड़ी की भी कीमत है वो 18 से 20 लाख रुपए है। ठीक हो गया, 18 से 20 लाख में 20 लाख रुपए में ना आपके पास कोई सेफ्टी फीचर्स हैं, ना कोई ऐसी खास टेक्नोलॉजी है जिसमें जो आप उस पे जो है ना, या आपके पास तो कोई लोकल प्रोडक्शन तो है ही नहीं ना। आपके पास जितनी भी फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं वो अपना प्लांट लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो पैसे कमाते हैं, जो कि ज़्यादातर रेवेन्यू अपने मुल्क ले जाते हैं। तो इतने 75 सालों में टेक्नोलॉजी होते हुए, आपके पास बेस्ट इंजीनियर्स होते हुए जो कि बाहर चले जाते हैं अपने फील्ड को या अपने आप को कैश करने के लिए, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? कुछ भी नहीं है मैं समझता हूँ। आपने जो बोला कि इंडिया वालों को इंटरेस्ट हमें नहीं है, थोड़ा हम कंपैरिजन भी करते हैं अपने वीडियोस में अपने चैनल पे, क्या लगता है कि हम अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं है हमारे में, उसकी दूसरे नंबर पे अगर पाकिस्तान साइड पे देखें, हमें ये चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें भी एजुकेशन में अपने आप को बेहतर करना है, उनसे सीखना है, बजाय इसके कि दुश्मनी वाला कंसेप्ट रखें? सबसे पहले एजुकेशन का जो भी मिनिस्टर है ना उसकी उसका शजरा देखा जाए कि उसके आबाओ अजदाद में कौन कितना पढ़ा लिखा था, या जो खुद वो कितना पढ़ा, या वो खुद कितना पढ़ा लिखा, या उनके पास एटलीस्ट स्ट्रेटेजी प्लान क्या है कि वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उसके पास आइंदा 15 सालों के लिए क्या प्लान है। तो ये चीज़ें पूछनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट दे रहे हैं, अच्छा आप लें, मगर आपके पास प्लान क्या है, आप आगे मुल्क को क्या डिलीवर करना चाहते हैं, कोई 15 साल का प्लान तो बताएं ना। 15 साल छोड़े, मैं कहता हूँ आने वाले 5 साल में पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं, इंडिया साइड कश्मीर का क्या फ्यूचर देख रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले? डेवलपमेंट सर कुछ भी नहीं हो सकती, हाँ पाकिस्तान के अलावा हर जगह डेवलपमेंट होगी, सिवाय पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सिर्फ पसमानदगी की तरफ ही जाएंगे और मजीद जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो उस पर सोल्ड आउट का बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, तो हमारे यहाँ हर चीज़ को पैसे से कंपेयर किया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, आप इसके ऊपर भाई कुछ कहना चाहेंगे, अपनी ओपिनियन 1-2 मिनट की, क्या समझते हैं कश्मीर की खास तौर पे अगर बात करें 5 साल में वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट होने वाली है जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, और यहाँ पे कितनी होने वाली है, और दूसरे नंबर पे जो सेलिब्रेशन की गई है वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में प्रॉपर लाल चौक पे उनका फ्लैग लगा के और सारा कुछ करके, मतलब उन्होंने खुशी का इजहार? देखिए जी, मसला ये है कि अब 76 साल की आप बात कर रहे हैं कि 76 साल में कश्मीर का जब इशू हुआ था, तो जब से इंडिया ने कितनी ज़्यादा उसने अक्वामे मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस में क्या किया कि इस मामले को दबाए रखा, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया उसके अगेंस्ट, कुछ भी नहीं। यूनाइटेड नेशंस में लेके वो इंडिया वाले गए थे, और दूसरे नंबर पे अगर बात करें डेवलपमेंट की, ये देखें ये जो पेपर की बात है ना, ये तो 76 साल से चल रही है और आगे भी शायद 76 है। मैं कहता हूँ जो अभी हमारे पास मौजूद है हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बात ये होती है। देखें जी, इकॉनमी की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इंडिया जो है इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, वो उस पर इश्यूज़ पे बात करता है और उसको यानी कि स्ट्रांगली उसको वर्क कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगले अब फ्यूचर की आप बात करें 2024 में कश्मीर का मुझे नहीं हल होता नज़र आ रहा कि कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा स्ट्रांग लीडर आएगा उनके लिए डेवलपमेंट, या उन्हें कोई उनके कोई जॉब्स या कोई उन्हें सब्सिडी वगैरह दे, बिल्कुल ऐसी कि जॉब को दे, कोई सब्सिडी दे, या कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट लेके आए कि इस मसले का कोई हल निकले, पॉजिटिव निकले, यानी कि पाकिस्तान की बात को कोई यानी कि कोई वैल्यू नहीं करता। सारी कंट्रीज देख लें, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, उसका जिम्मेदार हम हैं, ये भी हम कह देंगे कोई इंटरनेशनल साजिश है? नहीं नहीं, हम लोग खुद हैं। आपकी एक इस चीज़ को एक ऐसे आप जो है ना उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं कि अगर ये सिर्फ वही मैं कहूँगा सो कॉल्ड अगर अपने आप को मुस्लिम कहते हैं तो बीइंग अ मैन, सबसे पहले जो मुस्लिम हुक्मरान गुजरे हैं, जो वेल नोन गुजरे हैं,
उनकी लाइफस्टाइल को स्टडी करें, फिर ये कहीं जाके एक मुस्लिम हुक्मरान बन सकते हैं, उस काबिलियत पे पहुंच सकते हैं, तो फिर वो नॉलेज ही अपनी पब्लिक में डिलीवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज तक तो सिर्फ ट्रैफिक या बेसिक नेसेसिटी ही आप अपनी पब्लिक को डेवलप नहीं कर पाए या अवेयरनेस नहीं देख पाए, तो बाकी चीज़ें डेवलपमेंट होना और उसके साथ फिर उसका फ़ायदा उठाना तो बहुत दूर की बात है, कहीं नज़र भी नहीं आता। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं, अच्छा लगा इनसे बात करके। कुछ बातें से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुज़म्मिल रज़ा। आपका नाम? खुर्रम हमीद। और आप? ज़ैन। क्या करते हैं भाई? हम काम ही करते हैं, अपना बिजनेस है बर्ड्स का। बर्ड्स का बिजनेस है, ज़बरदस्त। और आप? जी मेरा भी बर्ड्स का बिजनेस हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, जो मेन सवाल है, पहले ये बताएं 76 साल से पाकिस्तान में कौन से दो तीन बड़े नारे लगते आ रहे हैं? मतलब जो भी पॉलिटिशियन आता है, जो भी लीडर आता है, कौन से नारे लगाते हैं? भाई जान 76 साल से एक ही नारा है, रोटी कपड़ा और मकान, और वो मिलता ही नहीं है। जो आप बताएं, रोटी कपड़ा और मकान और इसके अलावा? जिसके अलावा सबको अपनी अपनी बड़ी है, ठीक है, सब अपना ही बताते हैं कि जी हमें वोट दे, रोटी कपड़ा मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक नारा ये इसी पॉइंट पे आते हैं, आप बताएं कौन से दो तीन नारे लगते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। या पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो डेफिनेटली लगता है और ये लगना भी चाहिए, लेकिन ये जो दो नारे लगते हैं, रोटी कपड़ा और मकान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये हर पॉलिटिशियन ने इसको यूज किया। हाँ, लेकिन क्या रोटी कपड़ा मकान मिला या कश्मीर के अंदर हमने कोई डेवलपमेंट की? कुछ भी नहीं होता, ये जब इलेक्शन आते हैं तो ये दो नारे चलते हैं, उसके दो तीन माह बाद सब कुछ खत्म बोल जाते हैं। आज अगर 2024 स्टार्ट हुआ है, आज दूसरा दिन है, आज वीडियोस सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं, जो इंडिया साइड कश्मीर है वहाँ पे वो प्रॉपर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, श्रीनगर लाल चौक पे जोन सा है वो इंडियन फ्लैग को लगा के प्रॉपर सेलिब्रेशन कर रही है, यूथ जोन सी है वहाँ पे फंक्शन इवेंट्स और ये चीज़ें करते हैं, हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं प्रोटेस्ट होते नज़र आ रहे हैं, क्या फ़र्क क्या देख रहे हैं? यही फ़र्क है, हमें